देखें इस तरफ का रूट पूरा बंद किया हुआ है और ये सामने ये रूट चली जाती है वेस्ट मिनिस्टर की तरफ, इसको भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और आगे की तरफ आप देखेंगे तो कोई गाड़ी नहीं दिख रही होगी, पूरा सड़क जो है खाली है। यहाँ झंडे फिर से लग गए हैं लेकिन वो काफ़ी नीचे फहराया हुआ है। हेलो, मैं इस वक्त हूँ वेस्ट मिनिस्टर के सामने। आज है थर्सडे और महारानी जी की जो बॉडी है, जो उनका पार्थिव शरीर है, वो इस वाले हॉल में रखा हुआ है। और यहाँ पे ये कल शाम से 5 बजे शाम से पब्लिक के लिए खोला गया है ताकि वो यहाँ आकर उसको देख सकें। और मैं भी आया हूँ देखने के चक्कर में, लेकिन न्यूज़ में तो पहले से मालूम था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और अभी 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा, मतलब 2 माइल से ज़्यादा जो है लंबी लाइन लग चुकी है। बहरहाल मैं फिर भी आया हूँ यहाँ देखने के लिए। और ये एग्ज़िट है यहाँ पर, ये बेसिकली सामने जो है ये वेस्ट मिनिस्टर हॉल है। और यहाँ से ये जो देख रहा है बेसिकली, ये जो डोर दिख रहा है बेसिकली ये है एग्जिट। और अब देखेंगे तो लोग जो है निकल के आ भी रहे हैं। तो ये देखिए है वेस्ट मिनिस्टर हॉल और इसमें उस तरफ से एंट्री हो रही है, वहाँ से। और पब्लिक लोग इसके अंदर आ रहे हैं देखते हुए और यहाँ से इस तरह से एग्जिट है और यहाँ से ये निकल रहे हैं। और ये सामने है आपको 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का घर है। ये देखिए यहाँ से ये पब्लिक जा रही है, क्यू में है यहाँ पर। और ये इस तरीके से ये लोग अंदर जा रहे हैं। और ये रहा व्हाइट हॉल, सॉरी ये रहा वेस्ट मिनिस्टर हॉल। और यहाँ देखने के बाद वो वहाँ से निकल के वैसे जाएंगे। देखिए ऐसा लगता है इन्होंने कंप्लीट सेपरेट बैरिकेडिंग कर दी है, मतलब कोई बीच से ना घुस जाए उसके अंदर। बाथरूम टॉयलेट्स के सारे अरेंजमेंट हैं यहाँ पर। और ये क्यू ऐसे आगे जा रही है। ये मिल बैंक का एरिया है और देखिए यहाँ से ये क्यू निकल के आ रहा है थेम्स रिवर से होते हुए और यहाँ से ये एंटर हो रहे हैं यहाँ। और ये ऐसे निकलते हुए सामने आपको दिख रहा है वेस्ट मिनिस्टर। और वो लॉन्ग क्यू दिख रहा हो आपको यहाँ पर, देखिए बहुत सारे क्यू हैं, मतलब ऐसे zigzag बनाया हुआ है। इधर से बंद है, इधर से मुझे जाने की इजाज़त नहीं है, तो मेरे को शॉर्टकट लेना पड़ेगा इधर से। या तो मुझे उधर से मुड़ के जाना होगा या फिर मैं यहाँ से शॉर्टकट ले लेता हूँ। ये देखिए हम लोग कितनी दूर आ गए हैं और वो सामने है वेस्ट मिनिस्टर, उधर है लंदन आई। और ये क्यू अभी जो है कंटिन्यूसली चलता हुआ जा रहा है, देखिए। इन सब के हाथ में आप देखेंगे तो एक बैंगनी कलर का वायलेट कलर का स्ट्राइप लगा हुआ है जो ये बताता है कि ये लोग लीगली क्यू में हैं और कोई बाहर से मेरे जैसा कोई घुस नहीं गया है इसके अंदर। और वो आप देखिए वो सामने वेस्ट मिनिस्टर। और मैं इस तरीके से वहाँ से ऐसे वॉक कर आया हूँ सीधे इधर से ऐसे और यहाँ से देख रही हूँ। और इसके बाद से हमारे जैसे कोई भी लोग इसके अंदर इस क्यू में जाने के लिए परमिशन नहीं है, तो हमें अगर देखने के लिए जाना भी है तो इस तरफ से जाना होगा रोड की तरफ से। Thank you.
नंबर ऑफ कैमराज आप देखिए कितने लगे हैं। मैं जहाँ से वॉक करना शुरू किया था वहाँ से कैमरे लगे हुए हैं हर तरफ, जगह जगह पे आपको पब्लिक टॉयलेट दिखेगा और जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं उन लोगों को इंस्ट्रक्शन है कि 24 घंटे के लिए उनको वो सारी पब्लिक सर्विसेज खोल के रखनी है ताकि क्यू के बीच में लोग जो हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ये पब्लिक फैसिलिटी है उनको वो जो है यूज़ कर सकें। क्यू वैसे ब्रिज ऐसे थेम्स की तरफ से ये क्यू होते हुए यूँ आ रही है यूँ, और यहाँ पे ब्रेक है क्योंकि जब यहाँ खाली होगा फिर इधर से लोग आने शुरू होंगे, और ये आगे बढ़ रहा है वाटरलू ब्रिज की तरफ, मैं उधर बढ़ रहा हूँ। और ये देखिए ये लंबी लाइन कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है और जगह जगह पे आपको वॉलंटियर्स लगे हैं ताकि कोई बीच में जाए ना। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जितने लोग भी हैं जितने भी यहाँ पे आए हैं दर्शन के लिए देखने के लिए उनके हाथ में पर्पल कलर का एक बैंड लगा हुआ है। ये हम लोग ये काउंटी हॉल के पास आ गए, तो मैं चलते चलते आ गया लंदन आई, और वो कितना खूबसूरत लग रहा है। और क्यू एज इट इज चल रही है, यहाँ से हमें क्यू को क्रॉस करके उस तरफ जाने की परमिशन है तो मैं इधर आ गया। हम लोग आ गए साउथ बैंक और ये क्यू उसी तरीके से चली जा रही है। सिर्फ एक बच्चे के लिए, वाव। ये तो बीच में एक गैप आया है तो अगर क्यू आपको नहीं भी दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि क्यू ख़त्म हो गई है। क्यू बेसिकली ये देखिए यहाँ वेट कर रहे हैं, ये यहाँ वेट कर रहा है क्यू। और ये देखिए और पूरा जो लाइन इन्होंने डिज़ाइन किया है वो थेम्स रिवर के किनारे किनारे, देखिए इस तरफ थेम्स रिवर और क्यू जो है वो बेसिकली ये देखिए क्यू, ये क्यू चली आ रही है। ये देखिए क्यू, ये सामने वाटरलू ब्रिज है और नेशनल फिल्म थिएटर है। ये वाटरलू ब्रिज वेस्टमिंस्टर ब्रिज से हम लोग निकल कर आए और ये वाटरलू ब्रिज है। मैं जा रहा हूँ वाटरलू ब्रिज के ऊपर और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, आके जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में मैं थक गया हूँ। ये देखिए वहाँ है सामने वेस्टमिंस्टर, लंदन आई यूं मैं होते हुए आया वाटरलू ब्रिज
और यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको ब्रिज के ऊपर से, ये देखिए कंटिन्यूसली लाइन जा रही है। अब वो सामने आपको वेस्टमिंस्टर सिटी एरिया दिख रहा है, आपको शार्ड भी दिख जाएगा वहाँ पर, आपको उस तरफ जो है वॉकी टॉकी बिल्डिंग दिख जाएगी, ये सामने आपको सेंट पॉल कैथीड्रल दिख रहा है और इधर ही आपको टावर ब्रिज है। बेसिकली जहाँ तक ये लाइन जा रही है, अब मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ, मॉन्यूमेंट का टावर दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए मॉन्यूमेंट का टावर दिख रहा है यहाँ पर, जो कि क्लोज टू टावर ब्रिज है। तो मुझे लगता है कि मैं वर्चुअल ही उनका दर्शन कर लूँगा और वर्चुअल ही उनको, बीबीसी के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब हैं, उनका आई प्लेयर है, इस पर इसका लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसको वर्चुअल देखना चाहिए। और मैं यहीं पे इसको ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि क्यू जो है कंटिन्यूसली बढ़ रही है आगे की तरफ, और अभी ये 4 दिन तक चलना है और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 3.5 लाख लोग जो हैं इसको देखने के लिए आएंगे, और देखने के लिए आपको 24 घंटे तक लाइन में लगना होगा, तो अपनी अरेंजमेंट करके आइए। लेकिन ये फिर भी बहुत ही दिलेरी का काम है, लेकिन इसे ही तो डेडिकेशन कहते हैं, इसे ही तो मोहब्बत कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, और मैं देखता हूँ 3rd-4th day इसकी क्या हालत होती है, तो उस हिसाब से मैं आपको अपने सोशल मीडिया पे और YouTube के थ्रू जो है आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर बाद में बात करते हैं आपसे। बाय बाय।